नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। इन दिनों देश में राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हो जाने का माहौल है और एक गाना काफी चर्चा में भी है जिसके बोल हैं, ए देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या। लेकिन हाल ही में हुई घटना ने देश की आन बान और शान से ज्यादा धन की चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं वायरल हो रहे सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद सीओ एस के मिश्रा के विवादित ऑडियो की, जिसमें बीजेपी विधायक न सिर्फ सीईओ को फटकारते सुने जा रहे हैं बल्कि मर्यादाओं की लुटिया डुबोते सारी हदों को पार करते साफ सुने जा सकते हैं। विधायक के पी त्रिपाठी ने जनपद सीईओ की माँ को इतने प्यार से याद किया है कि आप भी अपनी कान की सारी इंद्रियों को खोलकर सुनेंगे तो शर्मा जाएंगे। खैर, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सीओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। अभी तक गौतम भुगतान हुआ नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। ये आप करूं टारगेट तुझको? हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। विंध्य की धरती ने बीजेपी के सत्तासीन नेताओं की मूरत में सेवक कैसे देख लिया, इस पर सवालिया निशान तब उठते हैं जब ऐसे कथित ऑडियो वायरल होने लगते हैं जिसमें सत्ता की चाबी से विधायक शासन प्रशासन को खिलौना समझकर चलाने घुमाने अटकाने भटकाने और लटकाने का खेल रचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा से बीजेपी के विधायक केपी त्रिपाठी ने सिरमौर जनपद सीईओ को किस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सफेद पोश कुर्ते में आरोपों की एक मुट्ठी और कीचड़ लगा डाला है, ये सबसे पहले इस ऑडियो में सुनिए। हेलो हेलो जी साहब, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी, बोलिए। केपी भैया बात कर रहे हैं, विधायक सिमरिया। हेलो हेलो, विधायक जी बात करेंगे। जी जी, हेलो सर, नमस्ते। सीओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। क्या, जैसे दूसरे लोग बोलते, आप हमारे लोगों को बोल बोल के तंग करते हैं। आप मुझे एक का एग्जाम्पल का नाम बताइए, कौन आदमी है ऐसा कहता है। मैं तो आपको बोल चुका ना, कई बार बोल चुका मैं। सुनो, अरे यार सुनो यार, पहले सुनो पूरा। नहीं, मैं देखिए, सुनिए आप, मैं अरे आप पहले आउट करो। जिला सीओ कल बता रहे थे कि संदीप को ही बोल दिए हो कि सरपंच और सचिव लड़े हैं दोनों आपस में। नहीं, मेरी सीओ जिला पंचायत से संदीप के संबंध में कोई बात नहीं हुई है, और अगर ये होता तो मैं दो बार उसका प्रस्ताव भेजता। आप ये बताइए पहले। अब ये आप रंगौली में सचिव को बुला के नवीन खान को बोल रहे हो कि वीरभद्र सिंह बहुत बढ़िया सरपंच है, उसके साथ काम करो। नहीं सुनिए, नवीन खान ने लिख करके दिया मुझे कि मेरी जान को वहाँ खतरा है। हाँ, समझ रहे ना, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। बस उसको हटा दीजिए, रोजगार सहायक को प्रभाव। अरे तो सुनिए, तो वही मैंने प्रस्ताव भेजा है उसका जिला पंचायत में। जिला पंचायत में उसका यही प्रस्ताव भेजा, किसी को अगर जान का खतरा है। फिर कुछ उल्टा कर देते हैं मीटिंग में, हमारे जो लोग हैं उनको डांटते हैं आप। किसको? आप हमें एक का नाम बताइए। मैं पहले भी बताया कई बार आपको कि मैं जानू तो कि आपका कौन आदमी है। मैं तो सबको आपका आदमी मानता हूँ। दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। और आप मुझे तो आप बता सकते हो ना कि ये आदमी है, इसको आप डांटते हो, ये मेरा आदमी है, इसका ध्यान रखना। मैं समझ में नहीं आता। मैं आप बोलते हो कि ज्यादा तुम नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो। अभी तक विवेक गौतम का भुगतान हुआ? विवेक गौतम का काम किया विवेक गौतम ने, ये बताइए। जितने का उसका भुगतान हो गया है उसका आधा काम है वहां पर। अब आप बताइए, उसका सिमरिया मझगवा का मैंने उसका पेमेंट कर दिया, आपने कहा खमरिया का पेमेंट कर दो, खमरिया का कर दिया। जब मनरेगा में भुगतान लगता है, हाँ, तो पहले आप बाकी सब जगह जहाँ भुगतान किए हो वहाँ अंकित शुक्ला लोगों का किए हो, सब काम हो गया है? एक ऐसा है, आपको बताऊ मैं, सुन लीजिए। जरमई करमई में सेक्रेटरी लिख के देता रह गया कि सरपंच ने पैसा निकाल लिया, पूरा पैसा खा लिया। आप उसको लीपा पोती करने में लगे रह गए, एक भी आज तक उसमें एक्शन लिया कुछ जरमई करमई में? पहली बात बताऊं मैं आपको कि करमई जरमई का सेक्रेटरी का कोई पत्र मेरे पास नहीं है। करमई जरमई में मुझे भी मालूम चला कि मुझे करो, मैंने खुद फोन किया है आपको। सुना आपने, किताबों के पन्नों में छपे काले अक्षरों को घोटकर पी लेने वाले पढ़े लिखे अफसरों पर कैसे निरक्षरों की बोली बोलते विधायक सीईओ को कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे पाठ पढ़ा रहे हैं। वो बात और है कि ऑडियो में अफसर दबने की बजाय नेताजी की गेटिस ढीली कर देता है।
वायरल हो रहे ऑडियो में सुना जा सकता है कि विधायक जी ने अपनी माशुका को इतनी बार यार कहकर पुकारा या पुचकारा नहीं होगा, जितना प्यार जनपद के इस सीईओ पर बरसाते हुए सुने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लखनऊ के नवाबों की तरह यहां पहले आपकी नजाकत को भूल जाइए, मानो वर्षों से पपीहे की प्यास की तरह प्यासे नेताजी गा से गाली की दो चार गोलियां खा के बैठे हैं। यकीन नहीं होता तो फिर से सुनिए। आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहां गया और मैं जाकर के 8 लाख रुपए, 8 लाख हुआ क्या, 8 लाख रुपए उसका वापस जमा कराया, 8 लाख। पूर्वा में तमाम सेट बनने हैं, हो गए सेट फाइनल, पेमेंट आपने किया है, कितना पेमेंट कराया और कितना फाइनल हुआ है पेमेंट? पूर्वा में देखिए, पूर्वा में केवल 10 सेट हैं, 10 सेट उसके पूर्वा में फाइनल हैं, 10 सेट, और इसके बाद शेष का उसमें पैसा नहीं निकला है, सरपंच के उसमें है। जहां तक मुझे पर्टिकुलर, मैं एक आदमी को पक्ष नहीं लेता हूं, मैं तो सबको समान लेके चलता हूं, काम होना चाहिए, और काम होने की एक आदमी दो आदमी बोलता है तो चलता है, लेकिन आपके बारे में पूरा जनपद बोलने लगा है, पूरा जनपद। आप ये पूछते हो कि केपी त्रिपाठी कौन आदमी है, उनको तंग करो, आप फिर गलत बात बोलते हैं। आपको कम से कम इसमें बोल कर रह करके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी, अरे यार हमको आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने लगेंगे अभी, आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रहे हैं, दूसरे से आरोप नहीं लगा रहे हैं, नहीं फिर दूसरे काम आरोप हम जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे आरोप लगा रहे हैं हम। मेरी बात तो सुनिए, फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात करता हूँ मुद्दे की बात करता हूँ, और जो आदमी ऐसा आरोप लगाता है सामने आवे बोले कि मैंने किसी के साथ जाति किया। अरे तुमको एक साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो, कैसे काम करते हो यार? मैंने कहीं उल्टा कोई काम नहीं किया है, कैसी बात करते हो? सथनी में ऐसे उल्टा सीधा बोल के सारे फाइल बढ़ा के ऐसे सथनी में किया, कौन सी पंचायत बची है जहां नौटंकी नहीं किए हो? अच्छा है, सथनी में हमने क्या किया है बताइए तो, कमिश्नर से ना रुकवाते हम तो, तुम तो बंटाधार ही कर दिए थे। अरे तो जो ऑलरेडी फाइल पहले से चल रही है तो उसको फाइल को क्या करेंगे, ऊपर से पत्र आएगा तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे क्या? कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे ऊपर, नौटंकी की पराकाष्ठा है, कॉरेस्पॉन्डेंस हमको ना बताओ। देखो हम अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा अभी, नहीं बात की पब्लिकली हम बैठे हुए हैं, इसलिए बाद में अकेले होते तो फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूं और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना मेरा कोई नहीं, तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूं कि आप टारगेट ना करो, मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा, एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, हटा दूं मैं। चल चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो, मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा ठेका नहीं ले रखे हैं तो आप गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं, गुंडे हो तुम, हम कोई गुंडा नहीं है। साले पैसा मांगते हो खुले, हम घूस लेते हो। अरे सुनो बदतमीजी पूर्ण बात मत करो, गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? समझ लियो अपने आपको, साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो तुम, खाते हो इन दलालों से पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो, उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो? कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है बताइए मुझे। सुना आपने, ये प्रेम की पराकाष्ठा ही तो है जो नेताजी आपसे तू तक पहुंचकर पद की गरिमा को पदयात्रा कर रौंद डालते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन ये कितना सही है ये आप तय करें। नौकरशाहों की बाहों को सर का तकिया बनाने की चाह रखने वाले ऐसे नेताओं के आतंक का तांडव कब तक होता रहेगा ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि ऑडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद विधायक जिस टारगेट की बात ऑडियो में करते हुए सुनाई दे रहे हैं उसका वादा पूरा भी कर गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जनपद सीईओ पर हुआ हमला विधायक के विकास की एक और देन है।
इससे पहले आप नेता प्रमोद शर्मा के ऊपर सरेराह सेमरिया में हमला करवाना, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करना, गाड़ी में तोड़फोड़ करना, झूठे मामले में फंसाना, विरोध करने वाले नेता भागीरथी को जिला बदर से लेकर दर्जनों मामलों में फंसवाना, शराब दुकान में घुसकर गुंडाई करना, इन्हीं के इशारे पर इनके गुर्गे ने सैलून संचालक की दुकान में घुसकर बेरहम पिटाई की, खड़ी फसल में बुलडोजर चलवाने की घटनाओं के साथ राम कुमार पांडे को बेघर करना, समाज सेवी सनी समदलिया के खिलाफ बालू चोरी से लेकर अपहरण, SC ST एक्ट, कई शिक्षकों को विरोध दर्ज कराने पर विरोधगार कर देने के साथ साथ खुद विधायक के भाई के क्रशर में जिलेटिन पकड़े जाने की घटनाएं तो आप देख ही चुके हैं। जी हाँ, यही वो बड़ी सौगातें हैं जो विधायक जी ने अपने क्षेत्र के लोगों को दी हैं। यकीन कीजिए, टाइगर जिंदा है वाले डायलॉग से मामा भले ही बुलडोजर का डर दिखाने का नाटक करते आए हों, लेकिन क्या बुलडोजर का मुंह अफसरों को धमका कर डरा कर गुर्गों के हाथों अधमरा करवा देने का गंदा खेल खेलने वालों की तरफ नहीं मोड़ा जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। वायरल हो रहे ऑडियो के आधार पर पुलिस ने विवेक गौतम को जहां गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला सिद्धू, विजय गुप्ता ठेकेदार, पंचायत सचिव संदीप त्रिपाठी और एक दर्जन अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। उक्त घटना ने क्या वाकई शर्मो हया के सारे पर्दे गिरा देने का घटिया काम किया है? आप तय करें। आप सोच सकते हैं और ये सोचने वाली बात भी है। सर की तबीयत नहीं बोल रहे। कितने लोग थे सर? 15-20 लोग थे। किसी को पहचानते हैं सर आप? 3 लोगों को मैं पहचाना। कौन थे सर? एक बनकुइया मंडल अध्यक्ष था, कोई शुक्ला है बनकुइया मंडल अध्यक्ष जी, एक विवेक गौतम था। विवेक गौतम? एक जो है विनय शुक्ला है सुमरिया का। क्या विवाद चल रहा था? कारण क्या था? विवाद कुछ नहीं था, विधायक KP त्रिपाठी ने कराया। सुबह 11:15 बजे उसके PA ने मुझे फ़ोन कराया। फोन में उसने जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद से आपके ऊपर हमला हुआ? यस, उसके उसने 2-3 दिन का कहा था मैं 2-3 दिन बाद ऐसा करूँगा। मैंने कहा कोई आपको प्रॉब्लम मुझसे तो मेरा ट्रांसफ़र करा दो। उसने कहा विधायक ने कि मैं ट्रांसफ़र में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा कि ये कब से आपके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अनलीगल काम करने के लिए? ये विगत 1 साल से जब से मैं आया तब से वो कंटिन्यू दबाव बना रहे थे। वो एक संदीप द्विवेदी सचिव है, उसके ट्रांसफ़र हो गया था चुनाव के समय, वो उसको पुनः उसी पंचायत में पदस्थ कराना चाहते हैं। आपके साथ इतने दिन में मारपीट हुई, 8 बजे तक आपकी FIR नहीं की, ये क्या मानते हैं आपका शासनिक दबाव था उनके ऊपर? नहीं, FIR एक्चुअली ये 3:30 बजे की मेरी घटना है, मेरे साथ कोई था नहीं, मेरा ड्राइवर था, उन लोगों ने 3-4 गाड़ियां सड़क में पहरा लगा दिया, हम कहीं जा नहीं सकते थे, हम गेट को अंदर से लॉक किए थे, हालांकि फिर उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, उसके बाद घुस करके 10 फीट के हमको बाहर निकाल लिया, फिर ताबड़तोड़ लाठी डंडा लात घूस मारा है। ये काहे से मारपीट की है सर? लाठी डंडे थे, डंडा डंडा संख्या में रहे होंगे काहे से? ये 15-20 लोग रहे होंगे, चूँकि 4-5 गाड़ियाँ थी। घटनाक्रम है। क्या मानते हैं आपकी जंगल राज कायम हो चुका है? ये जंगल राज एक दिन का जंगल राज नहीं है, ये यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है, मुख्य रूप से कलेक्टर और SP, इनकी नेग्लिजेंसी है। राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक जी हैं, उनको अपराधी पालने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने एक अपराधी को टिकट देके सिमरिया में एक अपराध राजकर का एक शूटर अपने समझ में कायम किया है। और आज आप देख लीजिए भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं या मनीष शुक्ला लोग जो ये मुजरिम हैं, ये सब रीवा के जाने माने हिस्ट्री सीटर हैं, एक तरह के यहाँ के शूटर हैं और ये पदाधिकारी बने हुए हैं। रामचंद्र को जब मारा गया जनपद में घसीट घसीट के, रामचंद्र बाबू को,
प्रदीप दुबे को मुर्गा बनाया गया रीवा जनपद में, हरीश चंद को जब मारा गया यहाँ रीवा जनपद में, कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई सुनवाई हुई क्या? इसके बाद आपके रामानंद पत्रकार पर हमला होता है, प्रमोद शर्मा में हमला होता है, समदरिया वो जो सनी समदरिया पर हमला होता है, इसके बाद शराब दुकान पर हमला होता है, और आपने हर हमले में देखा होगा आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा काउंटर केस, और उल्टा काउंटर केस में उनके ऊपर उल्टा केस, और आज और ये जैसे हमारे एसपी साहब, हमने कहा, मैंने माना कि आप ईमानदार हैं, गलत काम नहीं करते, लेकिन आपकी ईमानदारी का क्या फ़ायदा, जब से आप आए हैं तब से इतनी चीज़ें आपके सामने, और इसी का परिणाम है कि आज हौसला बढ़ा है तो आज सीओ पे ये हमला हुआ। सीओ बार बार चिल्ला के कह रहा है कि हमको विधायक से जान का खतरा है, हमारे साथ बातचीत के बाद हमारे ऊपर हमला करवाया गया। सीधे क्यों नहीं कहेगा? सुबह दो घंटे तीन घंटे पहले वो धमकी दे रहा, 3 घंटे के अंदर वो हो रहा, और वहाँ का सबसे बड़ा अपराधी रीवा में बैठा है नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम, जो इनसे बड़ा अपराधी और पूरा अपराध की जड़ में सदस्य पकड़ना उसका काम, गुंडागर्दी करना उनका काम, तमाम तरह के अपराधों में मिलीभगत होना उनका काम, वो सीओ से रिपोर्ट नहीं लिखाने दिए, उसके विधायक के भाई का नाम नहीं लिखाने दिए, बहुत सारे लोगों के ये जानबूझ के भेजे, वो नहीं जा रहा था बेचारा कि हमारे साथ मारपीट होगी, जान का खतरा होगा, ये षड्यंत्र में एसडीएम शामिल थे, जानबूझ के भेज के मरवाया, रिपोर्ट नहीं होने दी। आज प्रशासन की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, ना कलेक्टर कोई कार्रवाई करेंगे, आप देखिए कि केवल विधायकों का गलत सही सब करना और बाकी इनकी लूटपाट। इस समय रीवा को पूरा जंगल राज बना के रख दिया है, सिमरिया हमारे अपराध के उसमें झोंक दिया गया है, एक अपराधी विधायक के द्वारा पूरी सिमरिया हमारी जल रही है, और अब हम लोग सड़क पर उतर आए हैं, अब इसके मुक्ति की लड़ाई हम लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। आप ध्यान रखिएगा, अभी तो ये सीओ पे हुआ, अगर ये पहले कहीं कार्रवाई करे होते तो इतने हौसले नहीं बढ़ते, अब जब इनके पुलिस के अधिकारियों के ऊपर वही विधायक द्वारा और हौसला अफजाई करके हमला होगा, कल और होगा। ये रीवा को ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या ये बिहार बनाना चाह रहे हैं? हम बिहार थोड़ी बनने देंगे रीवा। आप लोग मिले, देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से सरकार में है, और आपने देखा होगा भ्रष्टाचार मतलब ही भारतीय जनता पार्टी है, और इस आरडीओ ने विधायक की गुंडागर्दी वसूली, और जिस तरह से जबरन तरीके से विधायक जी के लोग जो उनको गुर्गे हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का नाम है मनीष शुक्ला का, विवेक गौतम का, अन्य के ऊपर हत्या करने और सरकारी अफसर को कार्य न करने जैसे धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, मारपीट हुई है, ये तो निश्चित हो गया ना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग वसूली कर रहे हैं। इनका एक ही काम है, किस तरह से सरकार के पैसे की बंदरबांट करना, किस तरह से वसूली करना। आप देखिए ना, एक विधायक अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अश्लील और ऐसी भाषा के उपयोग करते हैं जिसमें संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मैं तो केपी त्रिपाठी जी को कहना चाहता हूँ कि विधायक जरूर आप धोखे से बन गए, लेकिन आप नेता नहीं बन पाए और ना नेता बन पाएंगे, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल आपने एक सीओ जनपद के लिए किया, सीओ जनपद ने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन आप किसी को उकसाएंगे, किसी को टार्चर करेंगे, किसी से जबरन वसूली व उनके अधिकारों को का हनन करके आप कार्य कराने की कोशिश करेंगे तो वो भी बोलेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है, किस तरह से सिमरिया के विधायक और उनके लोग, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लूट भ्रष्टाचार में संलग्न है और पैसे की वसूली का खेल है। अब तो कोई सफाई देने के चांस नहीं रहेगा। विधायक स्वयं कह रहे हैं कि इनका काम नहीं हुआ तो भुगतान हुआ, हमारे इनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं कर, इसका मतलब सब कुछ जानते हुए सब कुछ एक प्रायोजित कार्य हो रहा है कि शासन का जनता का पैसा किस तरह से डाइवर्ट करके इनके गुर्गों के माध्यम से और इनके खातों में जाए। ये मान चुके हैं, क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, हार निश्चित है, या चुनाव लड़ें ना दें, टिकट ना दें, मतलब पैसा इकट्ठा करना, कलेक्शन करना कुछ उद्देश्य रह गया। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाप का घड़ा भर गया है, जिस तरह से भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, मंत्रियों का आवाज़ बीच में निकलना, ऑडियो वायरल होना, दादागिरी करना, वसूली करना, और किस तरह से अधिकारियों पर धौंस जमाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मों का फल है, और 20 साल बाद
आपको पता है इनका घड़ा भर गया है, अब सरकार बदलने वाली है। हताशा नहीं है, हताशा आपने कहा, हताशा बिल्कुल नहीं, ये गुंडागर्दी है, जबरदस्ती है, वसूली है, और ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। मैंने आपको पहले ही पूर्व बताया था, जब आपके चैनल में हाथापाई हुई, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद जी के साथ लपटी लपटा हुआ, उसी टाइम हमने बताया था कि ये जो चरित्रहीन आदमी पार्टी में है और आज भस्मासुर का रूप ले चुका है वो, और वो पूरे बिंद में बीजेपी को अब भस्म कर देगा, अन्यथा इनके केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मामा और मोदी जी को, इसको तत्काल बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। जिस तरह से ऑडियो आया, पैसे को, पैसे का भुगतान करिए, उनको भुगतान करिए जो इनके चहेते हैं, इनके चंगू मंगू, क्या मानते किस तरह से पैसा पूरा इकट्ठा करके, जनता का पैसा इकट्ठा करके अपने खाते में अपनी तिजोरी भरने का काम किया जा रहा है, किनके कौन कौन लोग हैं शामिल, किस तरह से साझा। इसमें क्या है कि आज जो समाज का आदर्श बना हुआ है वो पैसा है ना, और राजनीति एक समाज सेवा का काम था, लेकिन ये ठेकेदारों ने 10-20 साल से राजनीति का ऐसा चक्र चलाया है कि हर आदमी आज राजेंद्र शुक्ला और अभय मिश्रा बनना चाहता है। इसी चक्कर में केपी इतना धन लोभी हो गया है कि वो मर्यादा और कुछ समझ नहीं रहा है, सिर्फ पैसे को महत्व दे रहा है और अपने पावर का पूरा दुरुपयोग कर रहा है। जैसे कल वीडियो आया कि काम नहीं हुआ उसके बाद भी पूरा पेमेंट चाहिए उसको, तो अब इस तरह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बीजेपी का अंत सुनिश्चित है। को अपना जो गुर्गा, जो राजेंद्र शुक्ला का गुर्गा था, उसको जब यहाँ पर से विधायक बनाया तभी अब सुनिश्चित हो गया था कि यहाँ पर जो आतंक का पर्याय बनेगा, और आखिर कल जो है जिस प्रकार से उसके 18 लोगों ने, वो लोग सब लोगों ने जिसका नाम जब कल मैं गया भी था, सीओ से मुलाकात हुई, मैंने ही पहला उनकी बाइट ली, पहला बाइट जो सर्कुलर हो रहा वो मैंने किया, और उनका सीधा कहना था कि केपी त्रिपाठी ने अपने गुर्गे, जिसने मुझे कांत तोड़कर जो बाहर बुलाया, उसके द्वारा जो है मनीष शुक्ला और सिद्धू, उसके साथ में जो है विवेक गौतम जिसकी गिरफ्तारी हो गई, मैंने भी गिरफ्तारी सुबह कराई है, उसके अलावा जो है जो विजय गुप्ता जो ठेका लिया हुआ है, और विनय शुक्ला, ये चार लोगों को पहचान की। इसके अलावा जो है संदीप द्विवेदी, रन्नू पांडे, और ये जो लोग मेरे साथ जो मारपीट किए हुए थे वो लोग भी मौजूद थे, क्योंकि ढाबे में ये लोग पहले आधे घंटे से बैठे थे। इत्तिफाक से वो ढाबा जो है जो संचालित कर रहे हैं वो इस वक्त जो है वो संपर्क में है, उन्होंने बताया ये लोग थे, और बाद में जब जानकारी मिली, पीछे जो पीले कलर की ब्रेजा है वो रन्नू पांडे की है, जिसमें दो लोग सवार थे, वो लोग पीछे करते हुए आए, और उसके बाद जो है आगे मोड़ के शीशा तोड़कर बाहर उनके साथ मारपीट की गई। क्या लगता है कि जैसे क्षेत्र के लोग अभी कह रहे थे कभी शहाबुद्दीन, कभी किम जोंग को, ये क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं विधायक, अब क्या नाम दिया जाएगा? अब तो छिछोरा कहा जाएगा, छिछोरा हरकत है ये, और ये बड़े शर्म की बात राजेंद्र शुक्ला के लिए, बीजेपी सरकार के लिए, बीडी शर्मा जी के लिए बहुत ही दुखद बात है ये। और ये बात बता दूं मैं आपको कि जिस प्रकार से 22 लोग मेरे साथ चुनाव लड़े थे, उनके सारे लोग की सहभागिता, चाहे वो त्रिगुवी नारायण हो, चाहे पंकज पटेल हो, चाहे वहाँ से कुछ भी हो, चाहे पूर्व प्रत्याशी वहाँ के जो है विधायक जो है अभय मिश्रा हों, ये समस्त लोग की चुप्पी ये बताती है कि चुनाव के समय में आकर ये लोग करना, और मेरे जैसे आदमी का जो है जब यहाँ संघर्ष करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के नाम अभय मिश्रा जैसे आदमी के लिए मेरा नाम पुकारना, ये बेहद दुखद है कि संघर्ष मेरा और अभय मिश्रा जो है किसी लोगों से अगर ये कहते हैं कि मेरे द्वारा कहे गए काम को करते हैं, तो अभय मिश्रा को मेरा चैलेंज है कि मैं जल सत्याग्रह करने जा रहा हूँ, वो भी कहीं पर जो है बिहार की नदी में जो है ये जल सत्याग्रह करके दिखाएं, तब से मरिए की जनता ये मानेंगी कि वाकई में आपके अंदर में दम है। और लोग जिस प्रकार से मैं जब काम कर रहा हूँ, चाहे गुड्डा का गाली देने का मामला हो जिसको FIR जो कराई मैंने SP के सामने बैठ के, या फिर जो है विष्णु गर्ग जिसने सार्वजनिक तौर से कुर्मियों को गाली दी उसके खिलाफ कार्रवाई, या फिर कल जिस प्रकार CEO के साथ में मारपीट हुई, मैं अपने कार्य को एक स्वच्छ छवि का एक पार्टी का होने के नाते और अपनी खुद की गुणवत्ता की वजह से मैं जो है इन कार्यों को कर रहा हूं, और जनता से मेरा पूरा है कि इस प्रकार कोई भी घटना, चाहे मैं कोई घटाऊं या KP त्रिपाठी घटाए या अभय मिश्रा मैटर घटाए या फिर राजेंद्र शुक्ला करें, उसका फुल जोर तरीके से विरोध होना चाहिए जात पात छोड़ते हुए, और इसको जो है उनको ऐसे लोगों को, तुच्छ लोगों को जो है उनका इस्तीफा मैंने मांग किया है, इस्तीफा 2 दिन के अंदर नहीं देते और 120B का मुकदमा बनता है उनके ऊपर, किस प्रकार षड्यंत्र उन्होंने किया है, इस बात के लिए मैं प्रशासन से, नवनीत भसीन से मैंने बोला है, वरना जल सत्याग्रह बसवान मामा के सामने मैं जो करूंगा। मैं जनपद अध्यक्ष भी था, जनपद में मीटिंग के सिवाय बहुत समय फूट फार भर का काम था, तब जनपद को कोई अधिकार नहीं था, पंचायत को कोई अधिकार नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, जहाँ भी सरकारी ज़मीन मिली या प्राइवेट जिसने दे दिया, तमाम सड़क बनवा दिया,
उसी फूट फार वर्क में स्कूल भवन बना दिया, नींव खोदी। मेरे समय में मैंने, मुझे जहाँ तक याद है, अभी बहुत सारे जिंदा हैं सरपंच भी और बहुत लोग, मैं काम के लिए कभी सिफारिश नहीं की है। मैंने, मेरा गांव में घर था, दो तीन वीडियो आए गए, एक भी वीडियो मेरे घर कभी आया नहीं। विधायक रहा 3 बार, मैं प्रदर्शन के सिवाय, मांग पत्र देने के सिवाय तहसील और SDM के यहाँ कभी जाता नहीं था, ऑफिस में, और न कभी गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस में बुलाता था, कभी भी नहीं। काम होते थे, कभी सत्ता में नहीं रहा, लेकिन कभी कोई एक ऐसा काम नहीं है जो हमारा बजट में ना आता रहा हो, जो काम ना होता रहा हो। असल में ये 15-20 बरस से भारी दोष आ गया है, और ये दोष इतना व्यापक हो गया है, इतना व्यापक हो गया है कि जब सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, फिर इनके अध्यक्ष बनाने में, फिर विधायक संसद के चुनाव में, पैसा 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 पानी की तरह बहता, पकड़ पकड़ के दे दे के तीर्थ यात्रा कराते हैं, फिर अध्यक्ष बना लेते हैं। गांव में मवाली, तस्कर, गुंडा, गजेड़ी, शराबी, ये सब बेचने वाले जितने हैं, कोरेक्सी, इनको पकड़ के मामा फूफू इस सब से, फिर यही लोग दबाव बना विधायक बन जाते हैं, संसद सदस्य बन जाते हैं, अध्यक्ष बन गए, कुछ भी बन गए पदाधिकारी। फिर किसी से भी, गांव के स्कूल के मास्टर से, पटवारी से, कानून गो से, तहसीलदार से, यहाँ से, तो ये दोष सेमरिया विधानसभा का अकेले नहीं है, ये प्रदेश का दोष हो गया। कलेक्टर, IG, SP और किसी भी पद में, थाना, पुलिस, TI, बैरियर, यातायात, बिना पैसे लिए पोस्टिंग नहीं होती है, फिर महीने बधे होते हैं, फिर कमाना शुरू होता है, जनता पिसती है, जनता का पैसे के माध्यम से आकर घुमा, वही के आ गया। तो ये जो नेता का मतलब विधायक, संसद सदस्य, जनपद, जो भी राजनीति करता हो, किसी पद में हो, सरपंच से वहाँ तक, फिर पूंजीपति, फिर एक गुंडा लफंगा, आतताई लोग, इनका जो अधिकारी, इनका गठजोड़ बैठ गया। और उस गठजोड़ में जब पैसा नहीं मिलता, माहवारी नहीं मिलती, तो ये झंझटें जो सिमरिया में शुरू हुई, ये झंझटें हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि रामनाथ शर्मा जी काम नहीं होता था, तो कह देते थे कि हमारे ये ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं, हमारा काम होता ही था। भाजपा की सरकार में बने वो पहला विधायक, पटवा जी मुख्यमंत्री थे, काम इसलिए होता था कि 9-9 कंपनी ऐसे अब की ला के रख दिया, कपड़ा उतारा, मशीनें नहीं थी तब, हाई ड्रिलिंग मशीन नहीं होती थी, पत्थर चट्टान सिमरिया के दभौरा में, तो हमारे यहाँ दो ही प्रदेश में थी, दोनों मशीन हमारे सिरमौर में भेज दिया। तो पटवा जी ने होती थी जनता काम के लिए, देखिए दो काम है, बहुत निश्चित सिद्धांत है, कि तो पैसा कमा लो, कि तो काम करा लो। अब पैसा कमाने का काम हो रहा, काम कराने का मकसद नहीं, फिर गाली करो, मार्क दौड़ो। आखिर प्रदेश भर में आप देख रहे हैं, थानेदार पीटे जा रहे हैं, SDOP मारे जा रहे हैं, रेत के मारे। एक कहावत है कि भूखमरा पाए रेत रोटी लिए पेट चपकाए, अभाव वाला आदमी पा जाए जूता तो जरबा खौदे लाग। वो काम हो रहा है,
नीति नहीं सिद्धांत नहीं, बताइए क्या वीडियो ऑडियो मैंने सुना। अपने मंडल अधिकारी, अपने मीडिया प्रभारी, इनके खाते में पैसा डालने की बात एक ऐसे आप ये समझिए कि मैं मेरा कोई अधिकारी नहीं था, कोई पीए नहीं था, मेरा कोई दल नहीं था, दल से चुनाव लड़ते थे, लेकिन कोई भी आ जाए पीड़ित प्रताड़ित आदमी मैं उसकी मदद कर देता था। मैं इसमें दल 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 का मामला, विधायक तो विधायक होता था, पैसा का तो उस प्रश्न ही नहीं उठता था। वहीं प्रदर्शन किया, तीन तीन सात सात दिन तक धरना दिया, तो वहीं के गांव वालों से गेहूं चावल आटा आ गया, वहीं कोई बाजार है तो वहीं डालडा नमक किसान आ गया, वहीं बनाए खाए पड़े हैं तीन सात दिन। जो हमला तो सब होता देखिए, हमला तो जो जो मरवाया गया उसमें तो बहुत साफ है, देखिए साफ है कि घटनाक्रम में एक संविधान में एक कानून है, कोई सबूत न मिले तो भी उसको यदि उसने मारा है, घटनाक्रम मिल रहा है तो उसको फांसी की सजा होती थी, जज दे देता था स्वविवेक से, उसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का यही मतलब है कि पहले बातचीत हुई, गाली गलौज हुई, और इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि जब ऐसी आदत है हर बार बात हो रही है, जो ऑडियो में सुना मैंने देखा हर बार यही हुआ, तो सीओ ने भी जवाब दिया, क्या करता मरता क्या नहीं करता, इज्जत तो सबकी है, कोई नौकर हो गया कोई चपरासी हो जाए तो इज्जत तो उसकी भी है, विधायक से कलेक्टर एसपी मंत्री के यहाँ तो इज्जत सम्मान तो सबका परस्पर होता है। क्या बात हो रही है, ऐसा लग शर्म से सिर झुक जाता है कि ये सब क्या घटनाएँ हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पहले धमकी हुई और फिर तत्काल मारपीट हो गई, ऐसी एक दो मारपीट थोड़ी हुई है, कितने हो चुके हैं। अरे भाई आपको पता होगा कि जनार्दन मिश्र के साथ यही हुआ था, बनकुइया में संसद सदस्य थे, गए थे ना किसी काम में, स्वयं के पार्टी में, जनपद का चुनाव हुआ सिरमौर में। अब जो देखिए पार्टी भाजपा का सर्वनाश होने वाला है, अब बहुमत इकट्ठा कर लिया था एक के पी त्रिपाठी जी ने, वो एक तो बदल गया तो इसलिए एक वोट से हार गए, उधर उनके पास कोई नहीं था, दो थे तीन, उनका लड़का पार्षद है, उनके तीन चार थे, उनको पकड़ के और अध्यक्ष बना दिया, वो एक जो जनपद का अध्यक्ष वहाँ कररिया की थी सुरबार की, प्रिंसिपल हैं कोल्हा गाँव के, बड़े प्रिंसिपल थे, रिटायर हो गए, उनकी बहू बड़ी पढ़ी लिखी है, बीएड है, एमएससी है पास कॉमर्स से, बड़ी पढ़ी लिखी, उसको बना दिया, वो किसी दल में नहीं था ना प्रिंसिपल ना वो किसी दल से लड़ी थी, अमूमन उसकी मदद सब दल सब ने किया, लेकिन दल का यदि कहे तो भगत सुकुल ने सबसे अधिक मदद की। कुल मिलाकर अब सब जुलूस साथ हो गया, पैसे का खेल, वहाँ भी गाली गलौज हुआ, जनता परेशान होती तो रहे, अब परेशान होते रहे, अपने कोई महंगाई से मतलब नहीं है, गैस से नहीं है, अकाल रीवा जिले में पूरी छाया पड़ी हुई है, पानी नहीं बरस रहा है कहीं भी रीवा जिले में, सब पूरे रीवा संभाग में यूं कही, अभी सतना में थोड़ा बरसा है, पूरा प्रदेश बह रहा है, और यहाँ पानी नहीं, बांध तालाब भरे नहीं, ये जो बीहर का थोड़ा गेट खुला तो ये इधर कुल मिलाकर अपनी तिजोरी भरो जनता और जाने और ये अब तिजोरी भरना। देखिए चुनाव तो हम लोग लड़ते थे, जीतते थे, बहुत कम साधन से लड़ते थे, साइकिल से यात्रा की एक एक महीने, चिन्ह लिखा हसियाँ थगुआ सितारा, जब दोबारा दल बदल के बाद और चुनाव लड़े, जनता वोट देती थी, अब अभी नहीं, इस बार इतना दिया है और पिछली अगले बार इतना दे देंगे, जीत जाएंगे, ये सब ऐसा ही है, तो अब इस तरह से हालत मची। लेकिन जो विंध्य संभाग में सिमरिया में हो रहा है, ऐसा तो मध्य प्रदेश में कई जगह हुआ, इंदौर में हुआ तो कई जगह हुआ, बिनपुर रहना कई जगह ही रोज़ की घटना, गाली गलौज हुआ जाति पात की रीवा में, काम विकास को छोड़कर अब गुंडाई के दम पर बीजेपी मतलब नहीं, अब वही बैठते हैं, निकाल दिया दो तीन को अभी गाली गलौज में, किसी अधिकारी को मारपीट में, घर में दुकान में निकाल दिया, और सब बैठे हुए हैं भाजपा नेताओं घर में दफ्तर में, निकाल दिया दिखावटी, तो ये तो मिले जुली भगत है, मिले जुली भगत पर पार्टी को भी कार्रवाई क्या करेंगे, इन्हीं के दम पर चुनाव जीतते हैं, कार्रवाई इन पर करेंगे, अब ये पुलिस भी नहीं करती भाई कार्रवाई, इतना अब हुआ
अब वो जब पूरा वीडियो मिलेंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ ये करेंगे, तब फिर वो भी दूध के धोए थोड़ी हैं, वो भी तो कुछ नहाए हैं, गंगा स्नान उनने भी किया है, तो फिर ऐसे ऐसे करके ये हो जाए, कहीं कार्रवाई देखे। अब जब मुकदमा कायम हुआ, गाली गलौज का गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? परिणाम यही होता जात पात और रोज यही होता जाता है, वही धमकी में देखिए ना, यही ना है, वो कहते जा रहे हैं हमने दो तीन बार आपका ये किया। अब मैंने एक बार कहा था, बस आमन मामा के वो स्वागत सम्मान किया था, अध्यक्ष बन गए थे विधानसभा के, तो हमको भी पुजारियों ने बुलाया था, तो हमने कहा था कि गौसा गौए मर रही हैं, सेट बनते हैं उखड़ते जाते हैं, गौए मर रही, नीचे जो चबूतरा बनता है उखड़ते जाते हैं, कहीं पता ही नहीं कि कितनी गाय लिखे लक्ष्मण बाग, यहाँ चले जाइए, बाग रही गाय नदी में गिर के मर जाती हैं, पानी पीने की समुचित व्यवस्था, खाने की नहीं, गांव में सड़क में बैठी हैं, हमारे दरवाजे में 8-10 शाम को बैठ जाएंगी, अंदर नहीं घुसना। अभी बच्चे आए स्कूल से तो एक सांड खड़ा था बड़ा मोटा, वो चिल्ला रही थी, तो हम तो नहीं सुन पाए, वो देख रहे थे कुछ फेसबुक में, तो वहाँ नहीं सुन पाए, ऊपर नाती चिल्लाया, तब वो भगाया सांड को, तब वो नाती अंदर घुसी। विकास की लड़ाई ना, काम की लड़ाई नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, पैसे की लड़ाई है, पैसे की वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है कि हम अधिक हैं, हम अधिक हैं, और सारा संरक्षण राज्य सरकार का है, केंद्र का है, इनको सबको। और ये अधिकारी भी जब जानते हैं कि ये भी लेते देते तो सभी हैं, तो ये नेता भी चुप रहते हैं, बस फिर समझौते अंत में होते हैं, क्योंकि दोनों पानी दूध के धोए नहीं है कोई, अधिकारी भी और ये नेता भी, तो फिर समझौते की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा ये बढ़ने का केवल एक कारण, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, और एक को भी भाजपा से संबंधित जितनी ये रिपोर्टें हैं, एक गिरफ्तारी नहीं, और अभी कोई हम या कोई दूसरे दल का आदमी कुछ कह दे किसी को, तत्काल आके रिपोर्ट नहीं हुई, ले गए फिर रिपोर्ट लिखते रहेंगे, जेल भेज देंगे। 2018 में सिमरिया विधानसभा में चुनाव हुए और यहाँ पर केपी त्रिपाठी विधायक बने, तब से लेके आज दिनांक तक आप देखें कि जो विधायक जी की भाषा है वो एक बड़े जनप्रतिनिधि की भाषा है ही नहीं है। अभी हाल में जो कि जो कल की घटना है, जिस पे सीओ के साथ मारपीट की गई, उसके पहले एक आडियो वायरल हुआ, सीओ की भाषा को आप देखें और विधायक की भाषा को देखें, स्टार्टिंग में देखें तो लगता ही नहीं कि विधायक की एक भाषा है, जैसे जिस तरह से होना चाहिए, एक विधायक की भाषा होनी चाहिए, उस तरह से कतई भाषा ही नहीं है। हमें तो वो ऑडियो सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि ये विधायक नहीं है, ये मैं इनको माने ये बोलूं कि जैसे एक बस स्टैंड पे रहने वाला व्यक्ति, जब उसकी बस थोड़ी सी लेट हो जाती है और सामने वाले थोड़ा सा लेट करता है, तो जैसे उसके साथ वो गाली गुप्ता और भाषा मर्याद भाषा का प्रयोग करता है, उसी तरह से केपी त्रिपाठी की भाषा है। तो मैं इसको ये नहीं कहता, मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये विधायक नहीं है, बल्कि बस स्टैंड पर रहने वाले कंडक्टर क्लीनियर टाइप का व्यक्ति है, जो अपने आदमियों को ये चाहता है कि हमारे आदमी कितना लूटपाट कर लें, कहाँ कहाँ काम कर लें। ये जो कल की घटना है, तो जो पूर्वा गांव में गौशाला है वहाँ पर विधायक के सारे लोग काम करते हैं, और उसमें एक विजय गुप्ता है, वो बराबर पहले यहाँ नगर पंचायत में भी कुछ काम किया और इसके बाद वो वहाँ पे जनपद में चला जाता है, वहाँ पे चला जाता है पूर्वा गौशाला पे चला जाता है, और वहाँ पे वो सेडों का निर्माण करा रहा है, और वो विधायक जी का आदमी है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस ये जो मामला उठा है, तो उस इस लड़ाई का सूत्राधार ही पूर्वा गौशाला है, जिसपे विजय गुप्ता के भुगतान को लेकर, विवेक गौतम के भुगतान को लेकर के, और एक मैं ये कहूँ कि एक सेक्रेटरी है संदीप द्विवेदी, जिसके ऊपर सिमरिया थाना में कम से कम 10 से 15 अपराध पंजीबद्ध होंगे, उसको तो सीधे सीधे सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए, और उसको हटा करके मैं तो ये कहूँगा प्रशासन से, जिला सीओ से, कलेक्टर से, कि ऐसा सेक्रेटरी
आप उसका यहाँ पे देख लें, बाजार बैठकी की वसूली होती है तो वो शाम के बाद बाजार बैठकी की वसूली में मिल जाएगा। प्रॉपर्टियाँ उसने वसूली है विधायक के संरक्षण में। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को सीधे सीधे बर्खास्त करना चाहिए और सेवा से पृथक करके इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं। तो कल की जो घटना है वो एक विधायक केपी त्रिपाठी की सोची समझी राजनीति का नतीजा है। हम लोग भी नगर पंचायत अध्यक्ष थे, यदि सीएमओ से हमारे बात अच्छे ढंग मतलब नहीं हुई, यदि किसी मन में मनमुटा हुआ तो हम लोग उसको प्रशासनिक रूप से निपटते थे। ऐसा नहीं करते थे कि किसी आदमी को भेज दो, मार दे, मारपीट कर दे, ये अच्छी बातें नहीं है। ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता, मेरा तो कहना ही। तो विकास क्या देखते हैं आप सिमरिया विधानसभा से, विकास क्या हुआ सिमरिया? नहीं, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा। विकास क्या है? विकास यही है कि उनके लोग जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। कोई नगर पंचायत पे कर रहा है, कोई जनपद पंचायत पे कर रहा है, सरपंचों को सेक्रेटरियों को धमकाया जाता है कि ये काम हमारा व्यक्ति करेगा। तो ये जो विकास कहाँ से होगा, जब वही के सरकार का पैसा उन्हीं के चहेते लोगों के जेब में जाएगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रमुख है, कोई भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूँगा कि पदाधिकारी है, तो जब ऐसे ही लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो आप विकास की उम्मीद कहाँ करते हैं? विकास हो ही कहाँ रहा? पूरी तरह से विधायक जी का विकास हो रहा और विधायक जी के लोगों का विकास हो रहा। आप बताओ ना, सिमरिया जहाँ मैं छोड़ के आया था 2020 में, वहीं सिमरिया खड़ी है। हमारे ही काम को वो सिमरिया का अपना विकास गिना रहे हैं। तो विकास कहाँ होगा? विकास नहीं होता। विकास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, विकास करने के लिए अपने लोगों को पीछे ढकेलना पड़ता है, तब विकास होता है, तब उस काम में पारदर्शिता आती है और वो अच्छा काम होता है। यदि हम अपने चहेतों को काम देंगे तो कैसे काम होगा? तो ये यहाँ पे विकास की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अमन चैन की बात है। आज पूरे रीवा जिला में, सिमरिया में अमन चैन सुकून शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। सिमरिया विधानसभा का जो विपक्ष है, मैं बात करूँ विधानसभा प्रत्याशी, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी त्रियुगनारायण शुक्ला भगत थे जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं उनकी बात करूं तो उनका लड़का जनपद सदस्य होता है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वो जनपद के अध्यक्ष जी के चुनाव में वोट देता है। सिमरिया नगर पंचायत में 3-3 पार्षद कांग्रेस के जीतते हैं और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाने की हैसियत पे नहीं होती है, क्योंकि वो भी जो भगत शुक्ला जी हैं, भगत शुक्ला भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे में काम कर रहे हैं। मिला जुला खेल चल रहा है कुल मिला। अरे आप पूरी तरह से देखो कि 2003 के बाद कांग्रेस की सरकार रही नहीं रीवा में, कोई कांग्रेस में 2003 के बाद रहा ही नहीं। तो भगत शुक्ला पहले 5 किलोमीटर की रोड बनाते थे, आज वो 100 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं, तो किसके इशारे में बना रहे हैं? उनकी तो जो कृपा है वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से ही बना रहे हैं, वो कांग्रेस की। आप बताओ ना, विधायक के खिलाफ एक स्टेटमेंट मुझे आप विधानसभा प्रत्याशी का इन 4.25 सालों में एक स्टेटमेंट भगत शुक्ला का बताइए जी, उन्होंने सरकार के ऊपर बात की हो और वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर उन्होंने कुछ कहा हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपना व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। और फिर वो सिमरिया विधानसभा के हैं भी नहीं, वो तो सिरमौर से आते हैं महीने में एक आध बार। तो कैसे कैसे विपक्ष यहाँ पिस रही है, जनता पिस जनता रही है वोट देने के बाद। एक एक कांग्रेस का वर्कर, यहाँ का आम व्यक्ति आज पूरी तरह से अपने आप को असहाय और ठगे महसूस कर रहा है। मैं करूँ कि मंडला अध्यक्ष एक राजेश सिंह, यहीं बगल के गांव के हैं, दुआरी के पास के हैं, उनके घर के पानी की रास्ता एक वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कर दिया और उनके बचाव के लिए कोई कांग्रेस का व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो कांग्रेस यहाँ विपक्ष तो है ही नहीं है, उसी का फायदा। विधायक जी ने तो यहाँ 2-3 टाक किया, एक यहीं पे मारपीट कराई थी, एक पत्रकार के साथ मारपीट करवाई थी थोड़े दिनों पहले, और एक सीएमओ और आए थे आनंद मिश्रा जी, उनके साथ भी स्वयं विधायक किया था ऑफिस में बैठ के, और बड़ी गालियाँ दिया था उस सीएमओ को। वो सीएमओ सह गए और सीओ नहीं सह पाए, तो सीओ नहीं सह पाए तो सीओ के साथ मारपीट हो गई। कल इतनी मारपीट हुई उस आदमी के साथ, 15 लोगों ने मारपीट किया। और यदि प्रशासन और एसपी कलेक्टर सर्विलांस में मोबाइल चेक करा लें घटना स्थल का, तो सारा का सारा राज खुल जाएगा। तो ये तो मैं प्रशासन से कहता हूँ कि चाहे अपराधी कोई भी हो, कुल मिलाकर विधायक अब विधाता अपने आप को समझने लगे हैं और सिर्फ गुंडागर्दी, गुंडाई के दम पर विकास हो रहा है, मुंह दबाने का प्रयास किया जाए, किसी के साथ कोई घटना घट सकती है। अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ है,
विधायक जी ने कितना तांडव किया है ये किसी से छुपा नहीं है, सारी बातें तो विधायक जी को तो सीधे, वो तो उनका तो विजन है कि हमें तो मारपीट करना है, मारपीट करके अपनी राजनीतिक वो बढ़ाना। ये बताइए कि अभी एक साल पहले एक यहाँ पे अपने जरमोहरा बांध है, जरमोहरा बांध का आप दृश्य देख लीजिए, एक छोटा सा पेड़ होता है तो आदमी उसको बचाता है कि उसको नुकसान हो, खड़ी फसल पे, खड़ी फसल पे उसको रौंदा गया, वो विधायक जी के इशारे पे किया गया। तो आप विधायक कितने सामाजिक हैं ये किसी से छुपा नहीं है। एक विधायक को जनता कभी शहाबुद्दीन कहे कि कभी किम जोंग कहे, कभी सद्दाम हुसैन कहे, इस तरह में जब कार्य करते हैं, क्रियाकलाप जो सामने आते हैं, तो क्या लगता है राजनीतिक परिदृश्य में क्या विधायक जी का? मैं तो केपी त्रिपाठी जी को किंग जोंग और शहाबुद्दीन नहीं कहूँगा, इनको बस स्टैंड का मैं कंडक्टर और क्लीनर कहता हूँ। ये कंडक्टर और क्लीनर जिस तरह से हरकत करते हैं बस स्टैंड में पूरा दिन, उसको वहाँ पे जो सवारियाँ होती वो देखती हैं, उसी तरह का विधायक का कृत्य है। ये राजनीतिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक लड़ाई लड़ता है, राजनीतिक व्यक्ति मारपीट नहीं करता, राजनीतिक व्यक्ति किसी को मरवाता नहीं है, नहीं, वो राजनीतिक बात करता है, राजनीति के तरह से वो अपने काम को करवाता है। लेकिन जो सीओ के साथ हुआ वो तो हर किसी के साथ हो सकता है। ये बताइए कि सिमरिया थाना टीआई का, टीआई पोस्ट का थाना है, यहाँ पर टीआई को बैठना चाहिए, यहाँ पे दो स्टार बैठे, आप उनसे कोई बात करो तो कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग यहाँ पे एक नशे का कारोबार हो रहा, गली गली कोरेक्स बेच रहा, गली गली शराब बिक रही है, यही शंकर जी तालाब है, यहीं पे सिमरिया में 100-500 मीटर में दो दो शराब की दुकानें खुली हुई हैं। किसके संरक्षण में खुली हुई हैं? विधायक जी के संरक्षण में खुली हुई हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज़, गली गली शराब बढ़ रही है, आप चले जाओ हर घर में, गांव में तो 5-5, 6-6 दुकानें मिल जाएंगी आपको शराब की, खुले हुए पैकारी चल रही है, नगर पंचायत अवैध वसूली हो रही है, बाजार बैठ की बे तो पहले भी में रोज किसी न किसी के साथ मारपीट की जाती है। यहाँ तो शाम को प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है कि शाम को लोग कट्टे में फायर करते हैं, अभी एक दिन बाजार में तलवार लेके 15-20 लड़के घूम रहे थे। तो प्रशासन नाम की चीज़ नहीं बची यहाँ पे सिमरिया में, कोई प्रशासनिक चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये टीआई का थाना है, यहाँ पर टीआई तो सबसे बड़ा थाना भी है, रीवा जिला का ये बहुत बड़ा थाना है, करीब 35-40 किलोमीटर के एरिया का थाना है ये, तो निश्चित रूप से यहाँ पर तेज तर्रार थाना प्रभारी होना चाहिए, तो वो उस चीज़ का अभाव है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पर प्रशासनिक जो यहाँ की व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर वचर है, उसका कारण है कि विधायक जी को अपना भय का वातावरण बनाना है, और भय का वातावरण बना करके आम व्यक्ति को प्रताड़ित कराना है, और फिर से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। ये भय का जनता जवाब देगी, जनता निश्चित रूप से, इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है कि जनता जवाब नहीं देगी, जनता तो जवाब देगी, जनता तो अच्छे अच्छे लोगों को जवाब दी है, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को जवाब दे चुकी है, समय आने दें, इनको भी जवाब देगी। जनपद अध्यक्ष भाई, अरे बौखलाहट भी पूरी तरह से बौखलाहट तो इतनी तगड़ी भरी हुई है उनके अंदर, पता नहीं, अरे आप तो एमएलए बन गए और आप किस बात की बौखलाहट पर? वो ये चाहते हैं कि एक पंच भी बने तो मेरा ही बने, तो पंच की राजनीति करने वाला व्यक्ति विधानसभा की राजनीति कैसे करेगा? विधायक का कदल अलग होता है, सरपंच का अलग होता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष का अलग होता है, जनपद का अलग होता है, सब एक एक व्यवस्थाएँ हैं। आप हर व्यवस्थाओं में टांग अड़ाओगे तो कैसे आपकी सारी बात मान ली जाएगी? ऐसा थोड़ी है, नहीं, उसका एक दायरा है, सबको अपने अपने दायरे पे रह के काम करना चाहिए, पर विधायक जी का दायरा बहुत बड़ा है ऐसा लग रहा है ना। मैंने आपसे बताया ना कि जैसे क्लीनियर का काम होता है, मैं तो उनको क्लीनियर बोलता हूँ, क्लीनियर टाइप का काम है उनका, विधायक वाला काम ही नहीं उनके अंदर, विधायक का जो काम होना चाहिए वो कतई है ही नहीं उनके अंदर। मैं ये बात कहूँ तो उनको टिकट दिलाने वाले रीवा के राजेंद्र शुक्ला जी हैं, तो राजेंद्र शुक्ला को आप देखो और केपी त्रिपाठी को देखो तो मुझे तो नहीं लगता संरक्षण तो होगा पूरी तरह से, वो तो संरक्षण क्या, आप पूरी तरह से संरक्षण है। मैं तो यही कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उसको साथ नहीं देना चाहिए, पर यदि वो बार बार ऐसी हरकत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गलत बात है, और इसमें जो भी उनके पार्टी के लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे उनको टिकट दिलाने वाले लोग हों, चाहे संगठन के लोग हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, बीडी शर्मा जी हों, जो भी हों, ऐसे विधायक को तो बुला करके और उनको बोलना चाहिए कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, क्या जवाब देंगे आज, क्या जवाब देंगे? एक सीओ के साथ मारपीट हुई है, छोटा मोटा मामला थोड़ी है, सीओ है वो, जनपद का सीओ है, उसके अंडर में 100 के ऊपर पंचायतें हैं, उसको मारा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, ये कौन सा न्याय की बात है? तो ये तो गलत हो रहा। रेडियो तो भी मेरे सामने नहीं आया है, क्या क्या सुबह से मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, मैं घर में ही था, अभी आपका फोन आया तो यहाँ बैठा हुआ हूँ,
तो उस बारे में कैसे बता सकता हूँ। और सीओ के साथ अभी हाल ही में मारपीट हो गई, ऐसी कुछ सूचना आ रही है? मेरी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। देखिए, इसका मामला बहुत गंभीर है, उनके प्रति प्राण घातक हमला किया गया है। मैं चाहती हूँ जो भी ये प्राण घातक हमला किया है उनको तत्काल पकड़ा जाए और कड़ी कार्यवाही की जाए उनके प्रति। अभी इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ सर, ये आप लोग ऑडियो को सुनिए और उसके प्रति भी कार्यवाही करिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी ये प्राण घातक हमला किए हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अगर नहीं होती है तब क्या? नहीं होती है तो मैं अपने जनपद को बंद करूँगी, जनपद और जनपद में कोई भी कर्मचारी ना कोई भी कोई कार्य नहीं किया जाएगा। क्या चाहती हैं आप, कब तक? जब तक पकड़े ना जाए इन लोग। देखिए, मुझे जनता ने चुना है, मैं सर्वदलीय हूँ। अभी निश्चित रूप से मैं क्षेत्र के भ्रमण में था और जब लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए गठित विधानसभा अथवा पार्लियामेंट में ऐसे लोग प्रवेश करके इस तरह से घटना का अंजाम दे रहे हैं, भले ही मेरे मित्र हों, मगर इसे मैं घोर निंदा भी कर रहा हूं। और अपराध अगर कोई घटित कर रहा है तो अपराधी को अपराध दंड भी मिलना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक जिम्मेदार पद पर व्यक्ति बैठ कर जो प्रजातंत्र में इस तरह का कृत्य करता है वो कहीं न कहीं वो किसी के आंखें के इशारे पर करता है। अब मैं ऐसे राजनीतिक दलों के ऐसे प्रतिनिधियों को जो निर्वाचित होकर और जनता जनार्दन के साथ अधिकारी नहीं काम कर रहा, तो आप उसके लिए नियम है, कानून है, दंड प्रक्रिया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप उसको हटाइए, दूसरे जगह जाएगा। पर आप स्वयं कानून को अपने हाथ में लेकर और लाठी डंडा से मार के और उसको घायल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा अपराधी वो नहीं है जिसके साथ आपने घटना किया। मैं निंदा भी करता हूँ और मैं इस प्रदेश के मुखिया को पत्र भी लिखूँगा कि इस तरह का जो अपराध कोई घटित कर रहा है तो उसके लिए भविष्य में, ये तो आज अधिकारी को मारा है, कल मतदाता को भी मारेगा, परसों राहगीर को भी मारेगा। और ये सब हो रहा है कैसा, जब किसी के पास धन आ जाता है, जो राजनीति है ये धन की तरफ इशारा कर रही है और गुंडई की तरफ इशारा कर रही है, इस तरह गुंडागर्दी नहीं करना। मैंने ऑडियो और वीडियो सुना है और मैं रास्ते में था, मैं डबौरा हरदोली में एक वहाँ आदिवासी लोग अनशन पर हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है और बुलाया था उन्होंने, मैं वहाँ से अभी सीधे आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सब भी प्रयास करके इस तरह के जनप्रतिनिधियों का विरोध होना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे पार्टियों का भी विरोध होना चाहिए जो इस तरह का टिकट देके इस तरह कृत्य कराने में आमादा है। थैंक यू। वायरल होने के बाद हमला हुआ, घटना में आप विधायक की संलिप्तता मानते हैं? नहीं, विधायक के तो योग्य ही नहीं है, मैंने कहा। आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे विधायक का निर्वाचन होता है जिसको 2 लाख 1 लाख वोटर्स के बीच से एक निर्वाचित सदस्य जाए? मैं विधायक रहा हूँ, मैं विधायक दल का नेता रहा हूँ, हाउस में मध्य प्रदेश के विधानसभा के कार्यमंत्रणा का मैं सदस्य रहा हूँ जिसमें 5 लोग होते हैं, इस तरह के कोई कृत्य करेगा? अरे विधायक हो गया तो जनता का प्रतिनिधि है, जनता का सेवक है और इसके परिणाम भी आते हैं। आपने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि का बेटा वो कहाँ उदंडता किया था, उसके परिणाम भी आए हैं, देख लीजिए आप, ये ठीक नहीं है। इसीलिए भले ही मेरा कोई अपना हो, हमारा मित्र हो, मगर इस तरह के घटना के साथ हम निंदा भी करते हैं। वो जब सीओ जनपद वहाँ पूर्वा में अपनी बैठक करके वापस लौट रहे थे तब लगभग 10-15 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनको काफ़ी चोटें आई है, उनके गाड़ी भी फोड़ी गई है। अब ये जांच का विषय है कि किसने किया है, जो सीओ जनपद के अपने बयान में जैसा कहे गए उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर, हमले के ठीक 1 घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सीओ साहब की और विधायक केपी त्रिपाठी जी की बातचीत हो रही थी और उन्हें बहस भी हुई दोनों के बीच में। हाँ, ये ऑडियो वायरल हुआ था, ये ऑडियो मेरे पास भी मीडिया के तरफ से आया है, तो उसको ऑडियो का हमने सुना था। अभी कोइंसिडेंस है कि ऑडियो होने के बाद ये हमला हुआ है, लेकिन किसने हमला किया ये जांच का विषय, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे किसने हमला किया है। सुरेश कुमार मिश्रा सीओ सिरमौर है, ये कल शासकीय कार करके वो लौट रहे थे, लौटते समय उनको 3-4 व्यक्तियों के नाम लिया, उन्हें सिद्धू शुक्ला, विवेक गौतम, विनय शुक्ला
और उनके साथ 18-20 अन्य आदमी के साथ उनके साथ तो गाड़ी रोक करके मारपीट की गई। उनमें चोटें आई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल गई और उनसे बातचीत करने के बाद मौके पर ही जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। धारा 147, 148, 149, 307, 353, 332, 341, 342, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उनकी डॉक्टरी कराई है। वर्तमान में टीम बैठी हुई है जो फुटेज और अन्य चीज़ों का परीक्षण कर रही है। साइबर सेल भी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने भेजा है, उस पर काम चल रहा है। सर, ऑडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ, उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर विधायक के पी पार्टी ने हमला करवाया, क्या उनके ऊपर मामला दर्ज होगा? ये विवेचना का विषय है, अभी उसकी विवेचना हो रही है। विवेचना जो तक सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी तब उसके अनुसार कार्रवाई की। आरोपी गिरफ्तार हो नहीं हुई, प्रयास जारी है, अभी साक्ष्य का संकलन हो रहा है, विवेचना चल रही है, साक्ष्य एकत्र करने के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जितने आरोपों की लिस्ट लिए सिमरिया विधायक घूम रहे हैं उस पर इरादा फिल्म का अमरीश पुरी का वो मशहूर डायलॉग याद आता है कि गलती एक बार होती है, गलती दो बार होती है, तीसरी बार इरादा होता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।